हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल बगीचा ख्वाहिशों का। मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए इसका पौधे का नाम है गंध पसारनी, संस्कृत का नाम है ये, बंगला में बोलते हैं इसको गदल पता या तो गंधो पता ही बोलते हैं हम लोग का इधर वेस्ट बंगाल में। तो ये मेरे घर में बहुत सारा हुए हैं, बहुत फैले हैं, तो मैंने देखिए कितना अच्छे से हुआ है। इसका बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स, जो गदल पत्ता होता है ये, इसका पत्ते का बहुत गुण होता है। पेट का कोई भी बीमारी हो, जैसे गैस होना, पेट फूल जाना, आमाशय जिसको आँव बोलते हैं, मल पड़ जाता है जिसको, आँव का बीमारी, उसमें फ़ायदा पहुँचाता है। जो अर्थराइटिस के रोगी है, देखिए कितने अच्छे से डाली निकली है। जो अर्थराइटिस के रोगी है गठिया के, उनके लिए तो बहुत अच्छा है इसका। इसका पत्ते का रस निकाल के उस जगह में अगर मालिश किया जाए तो बहुत आराम मिलता है अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, जिसका गठिया है। देखिए इसका व्यंजन भी बनता है फ्रेंड्स, हम लोग के इधर बंगाल में रहते हैं, इसको पकौड़ा बनते हैं पत्ते तोड़ के। तो मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे अब काटना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक बाहर गाछ है जो क्रिसमस ट्री बोलते हैं, उसको काट दी हूँ। तो ये देखिए उसका ऊपर ही चढ़ गया, बहुत सारे फैल गए हैं वहाँ पे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं लाइन का, उस पर चढ़ गया है। तो उसको उतारूँगी और उसी को रखूँगी, या जो मेरा यहाँ पे वाल पे जो है ये देखिए उसको ही रखूँगी, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे हैं पत्ते, इसी से ले पाऊँगी मैं, हाथ का पहुँच में है मेरे जो ये वाल पे है, तो मैं इसको काट दूँगी, क्योंकि मेरा वाल ख़राब हो जा रहा है, पूरा डैम हो गया है वाल, तो इसको काट दूँगी मैं, इसीलिए आज बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छे वाले रखूँगी ऊपर जो चढ़े हैं गाछ पे, क्रिसमस ट्री पे धूपी काट का गाछ है उस पर चढ़े हैं, तो उस वो वाला रखूँगी, इधर वाला काट के हटा दूँगी मैं। तो मैं थोड़े पत्ते तोड़ लेती हूँ, इसके जो नरम नरम पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, उसको पत्ते को तोड़ लीजिए अगर आप लोग के घर के आसपास है बंगाली, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो तुम्हारा तो सबाई जानो ही कत तो सुंदर एर बड़ा है, हमारा खाई एटर बड़ा, गंध पत्तर बड़ा, बेटे नहीं মিক্সিতে বেটে নিয়ে একটু চালের গুঁড়ো দিয়ে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা বেটে নিয়ে একটু সর্ষের তেল দিয়ে বড়া করি। তো ইসকো বতা রি হুঁ, তো এই পত্তে কো তোড় লেনা হ্যায়, তোড় কে মিক্সি মে পিস লেনা হ্যায়, পিস কে ইসকো থোড়া সা চাওল ভি পিস লেনা হ্যায়, জো নুনিয়া চাওল আতম কোই ভি চাওল হো উসকে সাথ পিস কে, লহসুন মির্চি কে সাথ থোড়ি সি সরসো তেল দে কে पकौड़ा बनता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, हम लोग खाते हैं। इसको खाने से बहुत ही फायदा होता है, पेट का बहुत बीमारी ठीक होता है। आप लोगों का अगर किसी को पेट में ज़्यादा ही दिक्कत रहता है, गैस, पेट फूलना या आमाशय ऐसा कुछ, तो आप लोग इसका पत्ता पीस के इसका रस ही पीजिए, वही ठीक, वो उससे जो बहुत जल्दी काम करता है। जो ऐसे नॉर्मल इंसान है हम लोग, मतलब तो उनके लिए पकौड़ा बनता है तो पेट वेट ठीक रहता है, फूलना उलना, और इसको रस पीने से जिसको पायस रहते हैं उनको भी बहुत आराम पहुंचता है। तो इसके पत्ते में बहुत गुण होते हैं, इसके पत्ते बदबूदार है लेकिन इसके पत्ते में बहुत गुण है, इसीलिए इसको आदमी लोग कोई नहीं लगाता है, या तो इसका गंध पसंद नहीं करता है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा देता है। मैं लेकिन सब सारा नहीं काट रही हूँ, जो मेरे वाल पे चढ़े हैं उसी को काट रही हूँ, जो मेरे धूपी कट का बड़ा सा गाछ में चढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉनिक का तार पे लग गया है उसको मैं रखूँगी, उसको नहीं काटूँगी, क्योंकि बहुत फ़ायदा देने वाला है, इसलिए मैं नहीं फेंकूँगी उसको। देखिए मेरा सारा साफ हो गया, तो ये वाल भी ठीक रहेगा, मेरा गाछ भी रह जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया, काट के पीछे गिरा दी हूँ ये सब। देखिए अब बाहर जाके साफ करूँगी। बाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेक केयर।